दोस्तों, फाइनली इतने सालों बाद हमारे देश की भारतीय सरकार ने देश में काफ़ी बड़े लेवल पर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 77,000 करोड़ रुपए की एक काफ़ी बड़ी प्रोत्साहन राशि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों को देने वाली है, जिससे दोस्तों जो हमारे भारत का सपना है पूरी दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनने का, वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। और साथ ही दोस्तों, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक काफ़ी बड़ी अपडेट और निकल कर सामने आ रही है। क्या है दोस्तों पूरी अपडेट, आज की इस छोटी सी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा। और इसी के साथ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली आई इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो अभी हाल ही में सरकार ने 77,000 करोड़ रुपए की एक प्रोत्साहन राशि निकाली है, और उससे सरकार 6 सालों के अंदर भारत में 22 से भी ज्यादा कुछ ऐसी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में सेटअप करने वाली है, जिस यूनिट के अंदर स्पेशली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एवं सेमीकंडक्टर डिजाइन, डिस्प्ले फैब्रिकेशन एवं सेमीकंडक्टर के एडवांस कंपोनेंट्स को ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और दोस्तों, यह बड़ा डिसीजन सरकार ने खुद लिया है, और दोस्तों कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी भी दे दी जाएगी। और दोस्तों, अगर हम स्पेशली बात करें तो इनमें 11 फैक्ट्रियां ऐसी होंगी जो मात्र सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले की ही मैन्युफैक्चरिंग किया करेंगी। और दोस्तों, यह मैन्युफैक्चरिंग आज के वक्त में जो दूसरे देशों से भारी मात्रा में सेमीकंडक्टर भारत में इंपोर्ट हो रहे हैं, उन सभी इंपोर्ट पर रोक लगाने में काफी ज्यादा कारीगर साबित होगी। और इसी के साथ हम जो इंपोर्ट में एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं दूसरे देशों को, वो भी दोस्तों काफी कम होगा, और भविष्य में हमें कभी सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज भी नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने हाल ही में साल 2022 में पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की काफी ज्यादा शॉर्टेज देखी थी, और उस शॉर्टेज के चलते भारत समेत पूरी दुनिया में इसका एक काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला था। और अब इसी के चलते दोस्तों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एवं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा कंपनी खुद इस फील्ड में आगे आ गई है, जो कि दोस्तों एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। और दोस्तों, साथ ही अब बड़ी बड़ी दुनिया भर की जितनी भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं एवं जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, वो धीरे धीरे भारत की तरफ अपना रुख करती जा रही हैं। और इन्हीं फॉरेन कंपनियों को लुभाने के लिए सरकार इतने बड़े इंसेंटिव निकाल रही है, ताकि यह कंपनियां भारत आए और अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, सरकार द्वारा निकाली गई इस बड़ी PLI को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।